हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है डे संडे, तो थोड़ी सी लेट मॉर्निंग हुई है। आप लोगों को पता ही है संडे को बच्चे को छुट्टी होता है, तो थोड़ा सा मैं भी अपना एंजॉय कर लेती हूँ, ताकि आज तो हमारा छुट्टी नहीं होता। बड़ा दुख की बात है ना, संडे की छुट्टी की मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी दिन तो ऐसा लगता है कि हम छुट्टी कर रखे हैं, ये कोई फील नहीं होता है कि हमारी छुट्टी है। हमें लगता है ऐसे छुट्टी कर रखे हैं, है ना। तो आज संडे है, तो मैं सोची चलो इन लोग घर पे रहेगा, तो मैं थोड़ी सी कुछ स्पेशल बना दूँ इन लोग को, इन लोग के लिए। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है खीर, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आलू बॉइल की हूँ, यहाँ पे सौम्या को बॉइल की हूँ, जो कि संडे के 9 बजे से पहले उठेंगी नहीं, फुल संडे ही वो होता है। और सारे से नमना मस्ती में गए घूमने, घूमने नहीं, यहीं पे बाहर में है। तो गाइज, आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू। बहुत यम्मी लगता है, बिल्कुल सिंपल एंड टेस्टी सब्जी है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा जीरा आलू सब लोग बनाते होंगे। कब चढ़ रही है बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है, मुझे हाफ चढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे आलू जो है डाल दी हूँ, 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। तेल डाली, जीरा डाली, अब आलू डाल दी हूँ, तो 2-3 मिनट फ्राई करूंगी कि आलू अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और यहाँ पे खीर भी हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं। पहले बिना चीनी का मैं बहुत देर पकाई, अब इसमें डाल दी हूँ चीनी, तो चीनी डाल के 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी कि ताकि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छे से। अब आप लोग ये कमेंट नहीं करने लगना कि दीदी ड्राई फ्रूट नहीं डाले, ये नहीं डाले। ड्राई फ्रूट मेरे पास है नहीं, तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। बट जीरा आलू जो है बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, जितना सिंपल उतना टेस्टी। तो गाइस देख सकते हैं आलू है जो थोड़ा फ्राई हो गया है, यानी थोड़ी थोड़ी रेड कलर आ गई है इसमें। अब डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टेबल स्पून धनिया, ये थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा का पाउडर बना हुआ है, वो थोड़ी सी कसूरी मेथी, अब इसे कर लूंगी मिक्स। इसमें कोई लहसुन प्याज यूज नहीं होता है, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग को भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी फ्राई हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूंगी मीट मसाला, जो कि ताकि हमारा फेवरेट है, हर सब्जी में डलती है, तो इससे टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा आता है। और हो सकता है मुझे आइडिया, मतलब आदत पड़ी है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड की थी गाइज, फाइनली बन गया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता। तो कैसा लगा हमारा सब्जी, सिंपल रेसिपी, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी बनाइएगा, और कैसा बना, कैसा लगा टेस्ट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनली इसको कर देती हूँ गैस को बंद। तो गाइस यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट लग गया है, देख सकते हैं आप लोग, खीर, रोटी और आलू और जीरा आलू सब्जी। इसे उल्टा पड़ रहा है, खाया नहीं है, पहले ही दिख गया। खाया है। और ये मेरी थाली है जिसमें
थोड़ी सी सब्जी और एक रोटी ली हूँ और खीर ली हूँ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। लंच में भी ना मैं दो ही रोटी ले जाती हूँ, ज़्यादा नहीं ले जाती हूँ। तो गई यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया और अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, और ऑफिस आने के बाद देखो मॉर्निंग में पूरा घर क्लीन करके जाती हूँ, और ऑफिस आने के बाद जो घर का हालत होता है ये हमारे औलाद का पहचान है। खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे दोपहर में, पर पता नहीं इतना सारा बर्तन कर जाएंगे, इतने सारे बेसिन में बर्तन भर जाएंगे, पता नहीं पानी पियेंगे फिर पटकेंगे फिर कुछ खाएंगे फिर पटकेंगे। और देखो सामान का हालत देखो, यहाँ कूलर यहाँ रखी हुई थी उसको फिर कागर वहाँ रख दिए हैं, कपड़ा तो ताकि सही किए हैं क्योंकि बारिश आई थी तो शायद उतार के रख दिए हैं, तो कुछ काम नेक भी करते हैं और कुछ काम खराब भी करते हैं। और मैं ऑफिस से आई हूँ तो घर पे दोनों में से दोनों कोई नहीं है, पता नहीं अपने फ्रेंड के पास गए होंगे। सो मैं तो ताकि बहुत कम निकलती है, नहीं जाती है सारे सीन का, तो इवनिंग में मतलब खेलना ही खेलना है, तो इसलिए तो आज बस। और मेरा भी इवनिंग में आने के बाद जो हालत होती है बहुत बुरी होती है, ऐसे लगता है कि मैं लेट जाऊँ। बट मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं सोची कि चलो कंप्लीट कर देती हूँ इसे, और एक भाई का कमेंट आया था, मतलब हट होता है वैसा वैसा कमेंट से, मैं तो ताकि इग्नोर करती हूँ पर सोचती हूँ ना कि कुछ कुछ आप लोग को भी बता देना चाहिए, है ना। ओ भाई का कमेंट था भुक्खड़, मतलब भुक्खड़ भी नहीं, कुछ अजीब तरीके से था खाने के ऊपर कि मैं खाती हूँ इस तरीके के, तो भाई तुम नहीं खाते हो, बिना खाए हुए जी रहे हो क्या, मुझे नहीं पता भाई, बट मैं तो खाती हूँ, क्या करूँ भाई, खाने के लिए ही इतना दूर से यहाँ आई, बच्चे पढ़ाने के लिए ही इतना दूर आई हूँ, तो खाती हूँ भाई, खाना खाकर ही ड्यूटी कर रही हूँ, भूखे नहीं रह रही हूँ। बोला पता नहीं भुखड़ या पता नहीं कुछ अजीब तरह का लैंग्वेज था, कभी अपने पति का भी भोग लगा दिया कर, है ना। तो भाई मेरे पति नहीं खाते हैं, क्या करूं। मैं भी ऐसा कोशिश की थी, जब तुम जो तुम बोल रहे हो ना, मैं भी पहले पूजा करती थी ना तो कुछ रख देती थी इनके पास, तो वो ऐसे ही रखा रहता था, खाते नहीं थे। तो मैं सोची कि भाई जितना मुझे केयर करना था उतना मैं इनका जीता जी केयर कर ली, है ना। तो और वो फोटो के सामने रखने से कुछ नहीं होता भाई, कि मैं फोटो के सामने खाना रख दी तो खाना खा लेंगे, फोटो के सामने कुछ कर दी तो वो खुश हो जाएंगे। अब वो चले गए हैं दुनिया से, अब क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है, जो मतलब एक ऐसे पैर में किस किस कर रहा है सुनिया, चिपक रहा है। तो मैं नहीं मानती ये सब चीज़ों की, कि इनको ये मेरे हस्बैंड है यार, है या नहीं है, है थे तो हमारे ही हस्बैंड, ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज, हट होता है मुझे, मैं भी एक इंसान हूँ, ये नहीं है कि मैं मतलब ठीक है दिन दुनिया खराब हो गया तो मेरे अंदर दिल नहीं है, दर्द नहीं है, या मतलब क्या बोलूँ। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर जाते हो तो मतलब नहीं कह रहे ये वो मन नहीं है आपका, वैसा था ना छोटा सा, छोटा सा था आपका, इसे लग रहा है मैं नोज पिन चेंज की, मेरा नोज पिन तो काफी दिन से यही है। देखो देखो मिलो मेरे करियाठी से, ये मेरे करियाठी करियाठी दिया है, अभी क्लच करूंगी ऊपर लगाऊंगी, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा वाली ही गर्मी हो रही है, छोड़ दो मैं अभी क्लचे करूंगी। तो इसीलिए बोली, अब देखो खाना तो खाना पड़ेगा, हंसना भी रहता है रोना भी, जिंदगी है यार, जिंदगी में हंसना खेलना रोना गाना सब है, सुख दुख सब है, सब एकदम से मानो कि ये हमारा सुख दुख सब हमारा भाई है। एक टाइम था भाई हम भी बहुत खुश थे, हम भी बहुत सुखी थे, हम भी अपने फैमिली के साथ टाइम अटेंड करते थे, अच्छा लगता था मुझे भी, जैसे आप लोग को अपने फैमिली के साथ अच्छा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगता था,
मैं भी बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। अब लोग कुछ भी बात बना दे, है ना, क्योंकि जब दिन ही खराब होता है ना तो लोग कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी। एक बार चुटकुले पढ़ रही थी कि आपका अपना कौन है, ऐसा कुछ चुटकुला था। किसी ने पूछा अपना आपका कौन है, तो उसका जवाब दिया अपना वक्त है। अगर वक्त अच्छा है तो सब अपने हैं, वक्त खराब है तो कोई अपने नहीं है। तो ये एकदम सच्चाई है ना। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि किसी को हट होगा, किसी को बुरा लगेगा, है ना। और बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी मैं मंडी जाऊंगी, सब्जी लाऊंगी और उसके बाद बर्तन वर्तन क्लीन करके कपड़े चेंज करूंगी, क्योंकि मंडी जाना है, तो ऐसे ही चली जाऊंगी। और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो मैं सही टाइम पे आया हूं। नहीं जाना है सही टाइम पे आया हूं। नहीं वरना फिर पैसे दे दो। ये लेगी तो आगे ना दे रहे तो उस दिन क्या की थी, पैसा नहीं थी मैं के पास नहीं था तो क्या की पैसा तो बताओ ना, पैसा मुझे रिटर्न मिला गया तो 3 रुपये 3 रुपये। तो चलिए इसे यहीं पेंट करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कभी फेस पे पानी नहीं डालती, कितना भी बोलूंगी फेस पे पानी डालते रहो। मम्मा कुछ भी नहीं यूज करती है फेस पे पानी, और बहुत ऑफिस गई तो थोड़ी सी पाउडर। मैंने कुछ यूज किया, वरना पाउडर भी नहीं किया। चलिए फाइनली बाय बाय।